तो ज्ञान से कर्म शुद्धि, ज्ञान से पहले तो कर्म की शुद्धि होती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। फिर मन की शुद्धि भी होती है, तो मन की शुद्धि होती है तो मन स्थिर हो जाता है और भटकना बंद हो जाता है। फाइनली तो आदमी ही भटक जाता है, मन तो सूक्ष्म है, पकड़ में आता नहीं है और नचवाता है, तो फालतू में नाच नाच कर टूट जाना ये बंद हो जाता है। ज्ञान से कर्म शुद्धि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, सब दूर अशुद्धि। और द्रव्य की भी शुद्धि होती है ज्ञान से। धन आपके पास आए तो एक विवेक होगा कि ये धन कहाँ से आया है, किसी के लूट कर तो नहीं आया, चोरी करके तो नहीं आया, किसी का द्रव्य के नाम से किसी का खून तो हम नहीं पी रहे हैं, किसी को सुसाइड तो नहीं करना पड़ेगा, कोई परेशान तो नहीं हो जाएगा। ये द्रव्य मेरे पास आया है वह शुद्ध है। निर्णय आप ही करोगे, कोई गुरु नहीं करेगा, धर्म का कोई ठेकेदार नहीं करेगा ये निर्णय, और करेगा तो लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि आपका मन तो आपके पास है, वो फिर से नचवाएगा। मैं कहती हूँ खुद निर्णय करो। छोटी छोटी बात में चिट्ठी लेकर पूछने चले गए, छोटी छोटी बात में नहीं, खुद के पास होश है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, समझदारी थोड़ी भी बची है कि नहीं, बिल्कुल अपाहिज हो गए हो, अपाहिज और अंधो जैसा बिहेवियर है इसके आज के ऑडियंस का। छोटी छोटी बातों में चिट्ठी लेकर गुरु के पास, गायत्री मंत्र करे कि नहीं करे, फिर गुरु ने कह दिया गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए नारियों को, तो बस, तो फिर छोड़ दिया। अरे भाई गायत्री का स्वरूप तो आप देखो, ऋषि मुनियों ने जो स्वरूप बताए वही नारी स्वरूप है सविता, क्यों गायत्री की उपासना नहीं करनी चाहिए? गायत्री उपासना नहीं करनी चाहिए मतलब सूरज का ताप ही नहीं लेना चाहिए तो भी पाप लगेगा। कि नॉनसेंस कहाँ कहाँ से आ जाता है, कैसे सवाल करने वाले हो, कैसे जवाब देने वाले। सॉरी थोड़ा पुण्य प्रकोप है मेरा, सॉरी कह रही हूँ, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता है, मुझे बोलना तो पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है।